शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कौन है? अरे अभय अंकल, ये अभय मेरा कजिन और अनु चाचा का बेटा। तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। नमस्ते। नमस्ते। मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा ये सब क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, वो क्या बताऊं? श्रद्धा? लो बेटा पानी। श्रद्धा ये सब क्या है? ठीक तो हो? चलो जल्दी। ये हमारी बड़ी बेटी श्रद्धा है। श्रद्धा बेटा ये कीचड़ कैसे लगा? मामा वो हम तो ये चाबी लेने आए थे, चाबी दीजिए मुझे निकलना है। तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? अब आ ही गया तो थोड़ी देर बैठ जाना। अरे वरुण रुक जाता, थोड़ा जरूरी काम है यार। मां चाबी दीजिए ना। क्लास बाय। बबलू बेटा तुम कुछ कह रहे थे? पापा वो आप बबलू कुछ नहीं पापा, वो रास्ते में ना स्कूटी फिसल गई थी तो घर आने में थोड़ी देर हो गई। सब ठीक है ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ पापा सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। चलो कोई बात नहीं नैना जी, श्रद्धा मुँह हाथ धो ले फिर हम इसे नीचे ले आते हैं। चलो श्रद्धा, चलो बबलू तुम भी कपड़े बदल लो। देखिए जरा कितनी घबराई हुई है। घबराओ नहीं, यहाँ कौन सी स्कूटी फिसलने वाली है? हमारा मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ संभालने के लिए, तो डरो नहीं, आराम से बैठो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मौकों पे तो हर कोई थोड़ा बहुत घबरा ही जाता है। तुम आराम से बैठो।
मिश्रा जी बता रहे थे आपने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है। जी जी, फैशन डिजाइनिंग में टॉप किया है कॉलेज में इसने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे वरुण ने भी डिस्टिंक्शन से कॉलेज पास किया है। दफ्तर में काम तो बहुत रहता होगा, तो काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी निभाने में तो दिक्कत होती होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम आपको क्या बताएं, हमारा आधा काम श्रद्धा ने बांट लिया है। ये सारा नाश्ता इसी ने बनाया है। श्रद्धा, आप भी कुछ बोलिए। आंटी जी, बुआ जी, रितु बुआ जी। बुआ जी, वो मुझे घर का काम करना या घर संभालने में कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती है, बल्कि ये तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आगे भी जॉब करना चाहूँगी। बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, हम सबको श्रद्धा बेटी बहुत पसंद आए। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ। श्रद्धा को रिश्ता पसंद है, देखिए ना कैसे शर्मा के ऊपर चली गई। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वो जल्दी जल्दी में ना हमने सारा सामान एक ही बैग में डाल लिया, इसीलिए बैग टूट गया। कीर्ति, ये सब क्या है? अरे मम्मी, जो शॉपिंग की थी जो अभी गिर गई है। चुप करो, लड़के वाले आ चुके हैं, चुप करो। बड़े सस्ते में लिए सब। देख रहे हैं कीर्ति। ये हमारी छोटी बेटी कीर्ति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते बेटा। एक सेकेंड, थैली गिरने पे मम्मी ने ज्यादा डांटा नहीं, और सबके चेहरे पे मुस्कान। जीजा जी पक्के हो गए क्या? हाँ, पर जीजा जी है। अरे मम्मी, जीजा जी आप वरुण है ना? खड़े होइए, अरे खड़े होइए जल्दी। वाह भाई वाह, टॉल फेयर एंड हैंडसम। दीदी के तो बम्पर लॉटरी लग गई। माय गॉड, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना जी। वैसे आप दोनों की बात तो हुई ना? आप चुप रहेंगी तभी कोई और बोल पाएगा ना। अरे आंटी जी, बुआ जी। ओके बुआ जी, फिकर नॉट। हमें ना, हम किस दिन काम आएंगे, साली किस दिन काम आती है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं अपनी दीदी से। अरे उठिए, जल्दी करिए दीदी से मिलना। कीर्ति, अरे क्या जीजा कर रही हो तुम? अरे मम्मी, हम कर रहे हैं ना, आप समोसे खाइए और आप हमारे पीछे आइए। लीजिए चाय। कीर्ति, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे दोनों मुंह पे टेप लगा के बैठे थे, हम बात करवा रहे थे। चुप कर, तुम दोनों बात करने दोगे तब बोलेंगे ना वो। चलो नीचे, चलो बबलू तुम भी नीचे चलो, इन दोनों को बात करने दो। नहीं आंटी, मुझे श्रद्धा से और कुछ नहीं पूछना। Bye.
मम्मी मम्मी आप आओ ना दो मिनट। ओह आप भी यहाँ पर हो। अच्छा ये बताओ इंटरव्यू कैसा रहा आपका? तू अपना काम करना, पढ़ाई तो तुझे करनी नहीं है। अरे बस मोबाइल मोबाइल खेलना है। मम्मी चलो ना दो मिनट। अरे तू कहाँ मुझे खींच के ले जा रहा है? हा? अरे वहाँ कुछ हुआ क्या? वो लड़की जिससे शादी की बात चल रही है। हाँ हुआ। क्या हुआ? अरे होगा क्या, रिश्ता पक्का करने गए थे, रिश्ता पक्का करके आ गए और क्या। ओ, अच्छा गुड। वो लड़की क्या नाम है उसका? श्रद्धा। उसने मेरे बारे में तो नहीं कुछ बोला? तेरे बारे में? अरे उसने तो वरुण से भी ज्यादा बातें नहीं की, तो तेरे बारे में क्या पूछेगी वो। बचा लिया आपने भगवान जी, मतलब कुछ नहीं कहा उसने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी को बताओ उस अभय के बारे में जो किया उसने हमारे साथ। वरुण बेटा चाय लो। क्या बात है वरुण बेटा, तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं, पर मुझे श्रद्धा से शादी नहीं करनी। मुझे उनकी बड़ी बेटी श्रद्धा नहीं, उसकी छोटी बहन कीर्ति पसंद है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।